नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे undiairway.com की आज के इस यूट्यूब वीडियो में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद में हमें क्या क्या समाधान बताए गए हैं, क्या क्या नुस्खे बताए गए हैं, और हम इजीली घर पे बैठे इनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक। दोस्तों, अखरोट को लेकर के आज का हमारा डिस्कशन है। अखरोट यानी कि जिसको इंग्लिश में वॉलनट कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है, जंगली अखरोट और एक कागजी अखरोट। तो आमतौर पर हम जो अपने सेवन के लिए यूज़ करते हैं वो कागजी अखरोट होता है। तो इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं दोस्तों क्या होते हैं। एक बहुत ही अच्छा फल है ये, तो बवासीर में अखरोट का बहुत अच्छा प्रयोग है। अखरोट के तेल का फोहा गुदे में धारण करने से बवासीर के कारण उत्पन्न हुई वेदना या दर्द का शमन होता है और दर्द कम होता है। और खूनी बवासीर है तो 2 से 3 ग्राम अखरोट फल और छाल को प्रातः छाछ के साथ तथा सायंकाल जल के साथ सेवन करने से रक्त बहना रुकता है। और मासिक धर्म के अगर विकार है तो 20 से 30 ग्राम अखरोट फल को छिलके सहित कूटकर काढ़ा बनाएं। काढ़े में 2 चम्मच शहद मिलाकर 3 से 4 बार पिलाने से मासिक धर्म की रुकावट में लाभ होता है और इससे अगर कोई दर्द है तो उसमें भी कमी आती है। और वीर्य विकार अगर है तो उसमें भी अखरोट के छिलके की भस्म बना लें और इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 10 ग्राम की मात्रा में 10 दिन सुबह शाम सेवन करें तो इससे धातुस्राव वीर्यस्राव बंद होता है। और दांत की प्रॉब्लम है तो भी अखरोट के बहुत अच्छे प्रयोग है। सुबह बिना मंजन किए अखरोट की गिरी को मुंह में चबाकर दांत पर लगाने से कुछ ही दिनों में दांत में लाभ मिलता है। और अगर मिर्गी है तो अखरोट की गिरी को निर्गुंडी के रस में पीसकर अंजन करने से 4 से 6 बूंद प्रतिदिन प्रातःकाल खाली पेट नाक में डालने से मिर्गी में लाभ होता है। और अखरोट के छाल के काढ़े को घावों पर लगाने से या फिर घावों को इससे धोने से घाव काफी जल्दी भरते हैं। और अखरोट फल के 10 से 20 ग्राम छिलकों को 400 मिलीलीटर जल में पकाकर काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिलाने से कब्ज में लाभ मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से अखरोट के बहुत सारे लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं अगर कहा जाए तो। और इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट undiairway.com पर अवेलेबल है, वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट्स आपको मिल जाएंगे देखने को। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं तो आप भी अखरोट का लाभ जरूर लें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो और कोई आपके मित्रगण हैं जिनको ये प्रॉब्लम है तो उनके साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें ताकि और लोग इसका लाभ ले सकें। और आपको भी फीडबैक या कमेंट्स आ दी हैं तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।